नमस्कार। मौलिक अधिकारों में वोट देने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसी का प्रयोग करके तो हम अपनी सरकार, अपने लिए सरकार का निर्माण करते हैं। तो फिर इस अधिकार का इस्तेमाल करना हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है। उसी अधिकार के बारे में आगे बात करते हुए आइए चलते हैं जम्मू और कश्मीर के, कश्मीर संभाग के एक बहुत ही खूबसूरत जिले कुलगाम की तरफ। कुलगाम को कश्मीरी में कुलगाम कहते हैं। कुलगाम जिले का जिला मुख्यालय कुलगाम शहर है। धरती के स्वर्ग कश्मीर का ये जिला अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत में नागरिकों को अपनी मर्जी की सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार का लोग बड़ी सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चुनाव के उत्सव में भाग लेने के लिए आपके पास वोटर कार्ड यानी मतपत्र होना बहुत जरूरी है। ऐसे में 18 वर्ष के हो चुके सभी नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के बाद पहली बार समरी रिवीजन होने जा रहा है। समरी रिवीजन की जो डेट होगी यानी 15 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। इसके दौरान फ्रेश वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी जो वोटर्स हैं उनका आधार लिंकेज, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक, उनका रेजिडेंस का चेंज होना या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का सिलसिला इस पे काम होगा। इस सिलसिले में जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे हैं उनसे दरख्वास्त होगी हमारी कि वो इस एक्सरसाइज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फ्रेश वोटर्स जो भी हमारी यूटी का बाशिंदा होगा, जो 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल का होगा या ऑलरेडी हो चुका होगा, वो अपना वोट बनाने का हक रखता है। तो मैं स्पेशली इस कैटेगरी के बाशिंदों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा तरीका क्या इख्तियार किया जाएगा, दो तरह के तरीके हैं अपना वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी चेंज के लिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर्स हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नज़दीकी कम्युनिटी सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज मैं कुलगाम के सारे बाशिंदों को ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के रिलेटेड हम लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द अवेयरनेस और एजुकेशन ऑफ द वोटर्स। मैं आपको बताता चलूँ कि स्वीप एक्टिविटीज़ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2009 में लॉन्च किया था, वो भी यहाँ पर हमारे एजुकेशन महकमे और कॉलेज में उनका जो शेड्यूल होता है और उसके अवेयरनेस जो बच्चों को देते हैं रिलेटेड टू द इलेक्शंस और पार्टिसिपेशन ऑफ जो एक वोटर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसके रिलेटेड हम लोग एजुकेट करते हैं, वो अवेयरनेस उनको देते हैं ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और आगे जाके इलेक्शन प्रोसेस में वो एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की तरह अपना वोट कायम करे। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात हम जब करते हैं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी तभी होती है जब हमारे जो 18 साल के बच्चे जो कि इंटर करते हैं 18 साल में, वो अपना पहले रजिस्टर करें एज ए वोटर, इलेक्शन जो इलेक्शन कार्ड मिलता है उनको, और फिर आगे जाके उनको इतनी अवेयरनेस हम देते हैं कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाएं और एक बेहतर तरीके से जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है उसको हम लोग सस्टेन कर पाते हैं। वोट देने का अधिकार एक नेमत होती है। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास ये हक है, हम जिसे चाहें अपना वोट या मत देकर चुन सकते हैं। हमारे चुने गए नुमाइंदे ही सरकार बनाते हैं। हम कौन सी और कैसी सरकार चाहते हैं ये हम पर ही निर्भर करता है। अगर आप 1 अक्टूबर 2022 तक 18 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया में जरूर भाग लें। आप फॉर्म 6 भरकर जितना जल्दी हो सके अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो फॉर्म 6B भरकर उसे आधार कार्ड से लिंक करवाएं। अगर आप मतदाता सूची में प्रस्तावित समावेश या नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 7 भरें। अगर आपके वोटर कार्ड में कुछ गलतियां हैं या किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर
अपने घर का पता बदलना चाहते हैं, अपना वोटर कार्ड बदलना चाहते हैं, या अगर कोई दिव्यांग के तौर पर मतदाता सूची में दर्ज होना चाहता है, तो 15 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म 8 भरकर ये सुविधाएं पाएं। दुनिया में कहने को तो कितने ही लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज किस हद तक मजबूती से खड़े हैं, ये किसी से छिपा थोड़ी है। वर्षों से हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, तो इससे हमें कई किस्म के फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। और सबसे पहला फर्ज है, अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो देश निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। तो बीइंग एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन, हम सभी जानते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहे, तो डेमोक्रेसी राइट टू वोट है। इसमें हम अपने जो हमारा पसंदीदा कैंडिडेट है उसको हम चूज कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट, एज इन इनकमिंग इलेक्शन इसमें मैं एक रेस्पॉन्सिबल वोटर रहूँगा। मैं सबको गुजारिश करती हूँ कि अपने आप को वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में ऐड करवाइए, ताकि हम अपनी पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें और जो हमारी तरक्की के लिए कुछ करें। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सका था, इसीलिए कितने ही नए योग्य मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हो पाया। इसी सिलसिले में बिना और विलंब किए मतदाता सूची में संशोधन तथा नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए केंद्र शासित जम्मू व कश्मीर में चुनाव आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर प्री रिवीजन कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिसके 31/8/2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। प्री रिवीजन गतिविधियों के बाद चुनाव आयोग के आदेश अनुसार केंद्र शासित जम्मू व कश्मीर में 15/9/2022 से फोटो वाली मतदाता सूची की स्पेशल समरी रिवीजन की रिवीजन एक्टिविटी की शुरुआत होगी। पिछले 3 वर्षों के चलते जो भी नौजवान 18 वर्ष के हो गए हैं, उनकी वोटर कार्ड या मतदाता पत्र बनाने की शुरुआत होगी। मैं 18 ईयर्स का हो गया हूँ, वो मैंने क्रॉस की है और मैंने इलेक्टोरल राइट हासिल किया है और फॉर्म 6 भी सबमिट किया है, और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो भी इस राइट को हासिल करे, और ये हमें हिंदुस्तान का आईन ये हक देता है ताकि हम अच्छी रिप्रेजेंटेशन आगे भेज सके। कहीं हम कल ऐसा क्लेम ना करें कि हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, हम इस काबिल बनेंगे कि हम अच्छी रिप्रेजेंटेशन भेज सके ताकि हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास हो जाए। मेरी उम्र 18 साल की होने वाली है। हिंदुस्तान जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस साल अब इलेक्शन आने वाले हैं। जो ही मैं जो ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा, मैं फॉर्म 6 के लिए अप्लाई करूंगा, और पहला काम यही करूंगा, फॉर्म 6 के लिए अप्लाई करूंगा और इलेक्टोरल रोल में हिस्सा लूंगा। और बाकी तालिब इल्म से भी मेरी यही गुजारिश है, जो ही वो 18 साल के हो जाएंगे, वो भी फॉर्म 6 के लिए अप्लाई करें। जैसे ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तो तुरंत अपना फॉर्म 6 भर के वोटर लिस्ट में अपना नाम दाखिल करूंगा, और अपने सभी सेम एज वाले दोस्तों और भाइयों से मैं ये बोलूँगा कि वो फ़ौरन जो फॉर्म 6 है उसके लिए अप्लाई कर दे। इसका भरना देश की तरक्की के लिए एक अहम स्टेप होगा, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं अपील करता हूँ लोगों को, जो वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है 18 साल का, वो दर्ज करो अपना नाम। सब बूढ़ों बुजुर्गों सबको मैं कहता हूँ, अगर किसी भाई बहन की कोई करेक्शन है वोटर लिस्ट में, और मेरा इल्तिजा है हाथ जोड़ के उसको भी कि वो अपना उसकी जो करेक्शन है वो उसको ठीक करा के, अभी आजकल सुनहरी मौका है, क्योंकि हमें वोट डालना है। जब हमारे पास वोटर लिस्ट होगा तब जाके हम वोट डाल सकते हैं, तब जाके हम अपने मनपसंद लीडर को चुन सकते हैं। भारत एक महान देश है। भारत देश की महानता में ना केवल अनेकता में एकता का बड़ा योगदान है, बल्कि यहाँ के नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग तो करते ही हैं, अपने फर्ज भी बखूबी निभाया करते हैं। मत देना या वोट देना एक अधिकार के साथ साथ एक फर्ज भी है, जिसे हर हाल में निभाया जाना चाहिए। सिटीजन का जो रोल रहता है, आपकी जो गवर्नमेंट चूज करनी हो, वो इसी के ज़रिए जो है अपना वोट डालकर आप अपने नुमाइंदे को असेंबली में भेज सकते हैं, या अपनी हुकूमत जो है वो आप बना सकते हैं। दूसरा ये है कि हमने इसके मुतलिक बहुत सारे स्वीप के प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए हैं,
और स्वीप के जितने भी प्रोग्राम हमारे ये कॉलेजेस में हायर सेकेंडरीज में हमारा ज़्यादा फोकस रहा, क्योंकि तमाम बच्चे जो हैं जो 18 साल के होने जा रहे हैं वो इन कॉलेजेस और इन हायर सेकेंडरीज में इस वक्त ज़ैर तालीम हैं, और जो तालीम याफ्ता नहीं है या कहीं कारोबार करते हैं या कहीं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं, दूसरे कहीं मामलात में बिजी हैं, वो भी अपना नाम इसमें इंदराज करवा सकते हैं। मेरी ये गुजारिश है उन सारे नौजवानों से और वो उन लोगों से जो अभी इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं, और जितने भी लोग 1/10/2022 यानी 1 अक्टूबर 2022 तक 18 या 18 से ज़्यादा उम्र के हैं, वो सारे आके अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिए वो BLO के पास जा सकते हैं या AERO जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं या हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। इसके अलावा वो ऑनलाइन भी इसके लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। हमने इस सिलसिले में कॉलेजेस और हमारे जो स्कूल हैं उनमें एक मुहिम चलाई है स्वीप के तहत, जिसमें हम इसके बारे में दीगर जो जानकारियां हैं वो दे रहे हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वास्तव में वहां के निवासी ही करते हैं, ये तभी संभव है जब वे जागरूक हो। मेरी मोतबाना गुजारिश है कि जो 18 साल होने वाले हैं, जो 18 साल हो चुके हैं, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराए और अपने जो हक है उसको सही इस्तेमाल कीजिए। जो 18 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम इंदराज कराए, ताकि जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपना अवामी नुमाइंदा चुन सके। अगर किसी का नाम गलत है या कोई रह चुका है उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो भी अपना नाम इस वोटर लिस्ट में इंदराज कराए, ताकि वो भी इस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सके। जो लोग पढ़े लिखे हैं तथा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी अच्छी तरह से वाकिफ है, उन्हें बाकी लोगों के लिए भी सलाहकार की भूमिका निभानी चाहिए। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्दी से वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाए। जैसे मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, मैंने अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाया है, वो भी जल्द से अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाए, ताकि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की में साथ दे सके। पहले जमाने मुख्य पहले हम डीकता रहा था, BLO को जाकर मिंत कर रहा था, हूँ वे चीज़ नहीं रही, हूँ हम ऑनलाइन भी यो कर सकें, किसी भी खिदमत सेंटर पर जाकर या अपना मोबाइल वरू भी कदे पढ़े लिखे हुए कोई कतरा अपना मोबाइल वरू भी हम ये चीज़ जी भी चेंज कर सकें। फार्म हमने BLO को था आ जाएगी, इं तू जानो है BLO साहब ने कहना हमने फलाना नंबर को फॉर्म दे, वे वो तू देंगा तो लेके आ जानो, ये बिल्कुल ईजी है। हमने इन चीज़ों को पता ध्यान रखनो, देश की तरक्की में हमने पता आगे बढ़नो। आप मतदाता सूची में दर्ज होने या अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए BLO या ऑफलाइन ERO AERO के दफ्तर या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP.in वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अपने वोटर कार्ड या मतदाता पत्र की जांच पड़ताल के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कर्मचारी आपके घर आए तो उनका भरपूर सहयोग करें। कि जो भी युवा इस वर्ष 18 साल के हो रहे हैं वो अपने आप को चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करवाएं और अपने सहयोग से वो एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छा लीडर चुने, और ये जो हमारा जन्नत है जम्मू एंड कश्मीर इसको और खूबसूरत बनाएं। अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाइए, हमारे लिए सुनहरी मौका है। मैंने अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाया, आप ही करवाएं। चुनाव एक उत्सव होता है, ये लोकतांत्रिक उत्सव तभी खुशी खुशी मनाया जाता है जब आपके पास वोटर कार्ड हो और आपको उस समय अपना मौलिक अधिकार इस्तेमाल करते हुए कोई परेशानी पेश ना आए। तभी तो कहते हैं आओ आओ मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाएं, अपनी मर्जी की सरकार बनाएं। इशूड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।